अंग्रेजी वर्ष 2024 की आपको अग्रिम बधाइयां। मेष राशि के लिए यह वर्ष क्या सौगात लेकर आ रहा है, किस प्रकार की चुनौतियां रहेंगी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए 2024 भाग्य का वर्ष रहेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु लग्न में रहेंगे। आप जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत और प्रयास करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा। पंचम स्थान में चंद्रमा स्थित है। यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको लाभ की प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी वर्ष अनुकूल है और संतान पक्ष के लिए भी ये वर्ष काफी लाभकारी रहेगा। नवम स्थान में मंगल और सूर्य का राजयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए भी उपरोक्त वर्ष अनुकूल रहेगा। बारहवें स्थान में राहु स्थित है, जो कि कुछ नुकसान, चोरी चकारी, वस्तुओं का खोना, गलत जगह निवेश आदि की भूमिका बना सकता है। जब कहीं भी आप निवेश करें, सोच समझ कर आपको करना चाहिए। अष्टम भाव में शुक्र और बुध अनायास धन की प्राप्ति, कुछ अटका हुआ धन प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना प्रबल आवश्यक है। नए वर्ष की शुरुआत आप अपने इष्ट देव के साथ करें। आपकी राशि में इष्ट देव सूर्य भगवान और भगवान विष्णु है। आप उनकी पूजा आराधना से नए वर्ष की शुरुआत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए उपरोक्त वर्ष कुछ मिले जुले प्रभाव दर्शा रहा है। सर्वप्रथम शनि चंद्र का दृष्टि संबंध, कुछ मानसिक तनाव, चिंताएं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, निकट के लोगों से वाद विवाद आदि की भूमिका बना सकता है। आपको थोड़ा प्रसन्न रहना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी है। सप्तम भाव में शुक्र और बुध का योग पार्टनर या पत्नी के माध्यम से, पति के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नए वाहन, मकान की प्राप्ति, सुख सुविधाओं की वृद्धि का योग उपरोक्त वर्ष में बन रहा है। विदेश भाव में गुरु स्थित है, जो कि धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्रा या कुछ अच्छी जगह निवेश आदि की भूमिका भी बना रहा है। अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की युति कुछ हेल्थ से संबंधित बाधा या परेशानी आपको प्रदान कर सकता है। सर्जरी के योग भी बनाता है, जिसका निर्णय आपको सोच समझकर लेना चाहिए। दशम स्थान में स्वराशि का शनि जो नौकरी कर रहे हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यापार वालों के लिए भी लाभकारी रहेगा। लाभ स्थान में राहु है, जो कि कुछ अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ विशेष कार्य करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं। नए वर्ष की शुरुआत आप अपने इष्ट देव के साथ करें। वृषभ राशि के लिए इष्ट देव भगवान गणेश जी और दुर्गा माता होती। मिथुन राशि वालों के लिए नववर्ष 2024 कुछ विशेष योग बना रहा है। भाग्य स्थान में स्वराशि के शनि, जो कि संपूर्ण वर्ष रहेंगे, आपका भाग्य प्रबल होगा। मेहनत का प्रतिफल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, लेकिन चतुर्थ और दशम स्थान में केतु और राहु स्थित है, जो कि निकट से निकट के लोगों से वाद विवाद कर सकते हैं। आपको अपने आचरण और व्यवहार को अच्छा बनाकर रखना प्रबल आवश्यक है। दशम स्थान में राहु, आप नौकरी कर रहे हैं तो परिवर्तन की भूमिका बन सकती है। व्यापार कर रहे हैं तो कुछ धोखा हो सकता है, आपको सावधानी बनाकर रखना प्रबल आवश्यक है। तीसरे भाव में चंद्रमा है, तो आपकी दैनिक इनकम बढ़ सकती है, कुछ आप नया प्लान भी कर सकते हैं। प्रेमी वर्ग के लिए शुक्र और बुध लगन और पंचम का संबंध कुछ वाद विवादों को दर्शाता है, लेकिन विवाह होने के प्रबल योग भी बन सकते हैं। सप्तम भाव आपका बलवान है, जो कि जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पार्टनरी में यदि आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ होगा।
एकादश भाव में गुरु स्थित है जो कि अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करेगा, संतान पक्ष को लाभ होगा और जो विद्यार्थी वर्ग है यदि कंपटीशन दे रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करने पर भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको नए वर्ष की शुरुआत अपने इष्ट देव के साथ करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए इष्ट भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बनते हैं जिनकी पूजा साधना करके आप नए वर्ष की शुरुआत करें।